मस्जिद शेख है, 1400 साल पुरानी मस्जिद है सामने वाला। बिल्कुल, इस पहाड़ का नाम है जबल रुमा, जिससे नबी पाक सल्लम 70 सहाबा को लेके आए थे हजरत अमीर। तो फाइनली व्यू ये देखें माशाल्लाह से मस्जिद नबी से निकलते हुए फिर आगे आए, ये सामने है मस्जिद बिलाल। मस्जिद बिलाल की तरफ जाने से पहले रास्ते में लगता है, ये देखें यहाँ पर फिर बाजार लगता है ये माशाल्लाह, और माशाल्लाह ये सस्ता बाजार भी है, और ये कितने भी हैं ना सब, ये सब उमरा जारीन और हज वगैरह के लिए सब है। ये देखें हम देखेंगे वापसी पे, लेकिन अभी हम जो है ना ये देखें काफ़ी बिक रही हैं, ये बिक रही हैं किलो के हिसाब से, ये पूरे बाजार लगे हुए हैं, और साथ में ये सामने है मस्जिद बिलाल, और साथ में है इधर मस्जिद बिलाल। मस्जिद बिलाल के साथ में पूरा इधर भी बाज़ार, इधर भी बाज़ार, रोड के ऊपर जो है सारा बाज़ार बाज़ार माशाल्लाह से। तो माशाल्लाह मदीना में काफ़ी सारी जो है ना चेंजिंग हो गई है माशाल्लाह से, काफ़ी सारे बहुत सारे सोते भी हो गए, खासकर उमरा ज़ायरीन के लिए जो है ना काफ़ी जो है ना फायदेमंद हो गया है। चलिए अभी हम कहीं होटल तलाश करते हैं, वहाँ से करते हैं नाश्ता करने के बाद फिर इन शाह देखेंगे माशाल्लाह। बिल्कुल सस्ता सा बाज़ार है, बहुत ज़बरदस्त सा बाज़ार है मदीना का माशाल्लाह। ये उमरा ज़ायरीन के लिए जो है ना बेस्ट विशेस है, बेस्ट बिल्कुल ही बेस्ट विशेस। सलमलाल साहब थे नबी पास। इस मस्जिद का नाम क्या है? मस्जिद शेख खान। मस्जिद शेख खान, आप इसको देखो, मैं बाद में इसकी वीडियो आप बना दूँ, मैं आपको रिकॉर्ड दे दूँगा। चलिए आ गया जी। तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, मैं हूँ मलिक अशरफ, आप देखें हमारा यूट्यूब चैनल मलिक अशरफ ऑफिशियल। तो व्यूअर ये है मस्जिद शेख खान, 1400 साल पुरानी मस्जिद हमारी ईशो की ज़्यादा, बाकी वो भाई टैक्सी वाला जानता है, उससे जो है ना मैं इसका पूरा जो है ना व्यू लूँगा अल्हम्दुलिल्लाह से। और ये देखना ये मस्जिद है 1400 साल पुरानी, जितना यानी कि मेरे नॉलेज में है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इंशाल्लाह मदीना की जितने भी ज़ियारत होगी सारी हम जो है ना इसमें देखेंगे। इस मस्जिद का नाम है मस्जिद शेखोन, ये 1400 साल पुरानी मस्जिद है। चलें एक बार मैं आपको जो है ना इसके अंदर से व्यू दिखा दीजिए, पत्थरों से जिस तरह के पहले बनी हुई थी आज भी वैसे ही बनी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। ये Nabi bermalam di sini dan di sini juga. Nabi hantar pulang sahabat-sahabat yang kanak-kanak, yang semangat nak perang. Nabi hantar pulang. Nabi kata kamu masih lagi kanak-kanak, okay, pulang. Itu yang pertama, Nabi hantar pulang. ये भी मेरा 1400 साल पुराना मस्जिद है, जिसके हिस्ट्री अभी मेरा भाई टैक्सी वाला जो है ना वो आपको बताया है। देख रहे हैं सब गाड़ियां जो है ना माशाल्लाह से पार कर यहाँ पर ले आ रही हैं माशाल्लाह से। ये इस मस्जिद की ज़रा मैं जितनी मर्जी पहले मैं मदीना शरीफ में मैंने इस मस्जिद से पूरी थी जाना ज़्यादा नहीं की, जो आज अलहमदिल्ला से मैंने इनके ज़्यादा भी कर लिया। बाकी इसकी जो हिस्ट्री है वो हम टैक्सी वाला भाई जो है ना वो हमें खुद इसमें जो है ना लाजमी ऐड कर दूँगा। अल्लाह से मेरी और अल्हम्दुलिल्लाह ये हम आ गए हैं दूसरी ज़ियारत। इस ज़ियारत का नाम है जबल उहद, जबल भी साथ है और ये एक मस्जिद भी साथ है, और ये जो है ना मैदान भी साथ है, जिस मैदान उहद आपने हिस्ट्री में भी सुना होगा, और चालक साहब को इसकी भी ज़ियारत भी करवाता हूँ, और इसका क्या क्या वाक़ियात हुए थे वो भी आपको इस वीडियो में हम लाजमी शेयर करते हैं। अपने वो मस्जिद शेख के शेख के बारे में बता रहे थे, मस्जिद शेख खान है सर, जो मस्जिद शेख खान है 1400 साल की पहले की पुरानी मस्जिद है, सही है? ठीक है, 1400 साल से पहले की पुरानी मस्जिद, नबी पाक सल्लम 70 सहाबा को लेके आए थे, हजरत अमीर हमजा को लेके आए थे, और नबी पाक सल्लम नाल साथ थे। नबी पाक सल्लम 70 सहाबा का हजरत अमीर हमजा का लिबास चेंज कराया था जंग के लिए, माशाल्लाह तेरी तरह मस्जिद शाहजादा।
ये सुना विवर मस्जिद शेख खान के बारे में जो मैं आपको बता रहा था उस वक्त, क्योंकि वो मेरे नॉलेज में नहीं था पहले, और मैंने यानी कि हिस्ट्री में भी थोड़ा सा पता था, लेकिन मैं मस्जिद में गया था। जबल अहद पर अल्हम्दुलिल्लाह से ये मेरा तीसरा चक्कर है, और इसकी जो है ना वो भी तफसील अभी आपके साथ शेयर करते हैं। ऐसे भी आपको पहाड़ नज़र आ रहा है सामने वाला? बिल्कुल। इस पहाड़ का नाम है जबल रुमा, जिस टाइम नबी पाक सल्लम 70 सहाबा को लेके आए थे, हज़रत अमीर हमजा को लेके आए थे, और नबी पाक सल्लम नाल साथ थे। नबी पाक सल्लम ने फरमाया, जिस टाइम मैं आप बोलूँ नीचे उतरना है, पहले नीचे नहीं उतरना। सहाबा माल गनीमत के लिए नीचे उतरे थे। खालिद ने वलीद ने पीछे से हमला कर लिया था। 70 सहाबा शहीद हो गए थे, हज़रत अमीर हमजा शहीद हो गए थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दाम मुबारक भी शहीद हो गया था इसी पहाड़ इस पहाड़ के ऊपर। नबी पाक सल्लम ने फरमाया, जो सहाबा शहीद हो गए उसको लेके चलते हैं जन्नतुल बकी, जो हरम के साथ उधर दफनाते। जो बड़े वाला ये जबल अहद पहाड़ है, ये सामने वाला जबल अहद, चल पड़ा या नबी पाक सल्लम, इस सहाबा को लेके जा रहे हो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। नबी पाक सल्लम ने फरमाया, तुम ठहर जाओ। जिस टाइम ठहर गया पहाड़, नबी पाक सल्लम ने फरमाया, जो सहाबा शहीद हो गए उसको शहदा में दफना दो, हज़रत अमीर हमजा को शहदा में दफना दो। नबी पाक सल्लम ने फरमाया, कल क़यामत वाले दिन जो जबल अहद पहाड़ ये सोने का होगा और जन्नत में होगा। नबी पाक सल्लम इस पहाड़ से मोहब्बत करते हैं, पहाड़ नबी पाक सल्लम से मोहब्बत करता है। जो बड़े वाली कब्र इस तरफ से है, वो 70 सहाबा की है एक साथ, उसके साथ वो हज़रत अमीर हमजा की है। हम चल के देखते हैं। तो सुना मेरे को माशाल्लाह से, ये है जंगे जबल अजर की, ये है जंगे अहद का बड़ा पहाड़, यानी कि ये क़यामत वाले दिन ये सोने का हो जाएगा, और वहाँ पर दंता मुबारक जो है पसंद के शहीद हुए थे। और ये चल के आपको दिखाता है, यहाँ पर जो 70 सहाबा के एक साथ है, जो उसके साथ वो हज़रत अमीर हमजा, ये बड़े वाली कब्र 70 सहाबा के है एक साथ, ये वाले सामने वाले वो हज़रत अमीर हमजा के, और जो सामने वाले अभी ये छोटे वाले ये देखें वो अमीर हमजा की, और ये यहाँ पर दुआ खैर करते हैं, वैसा करते हैं उसके बाद करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये है अमीर हमजा, ये हज़रत अमीर हमजा, हज़रत अमीर हमजा, उसके साथ हज़रत उमर हमजा नाता उनके दो कबीले इधर भी सूरत ये है जबल अहद, जबल अहद का पहाड़, यहाँ पर हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दाम मुबारक भी शहीद हुआ था, और यहाँ ये और इसमें जो है ना 70 सहाबा कराम इसमें यहाँ पर शहीद हुए। जी तो इसकी भी हमारे यहाँ हम जैसे ज़्यारत हो गया, अब हम चलते हैं नेक्स्ट ज़्यारत की तरफ। ये ज़्यारतें मैं दो व्लॉग में ऐड करूँगा, और एक मस्जिद शेख और ये जबल अहद, और इंशाल्लाह बला जो हमारा जो नेक्स्ट होगा वो, क्योंकि इंशाल्लाह हमारे 13 से 14 ज़्यारत थे इंशाल्लाह, जिसमें जो है ना बेर गर्स भी, इसमें जितने भी लोग बनेंगे उसमें बेर गर्स भी होगा, और हज़रत सलमान फारसी का बाग भी हम जाएंगे इंशाल्लाह।